पंजाब सरकार को आखिरकार रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजना पड़ेगा। संभावना है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ले जाया जाएगा। वैसे मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब से बांदा तक की 890 किलोमीटर का सफ़र आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक और बाहुबली की पहचान रखने वाले मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब की सरकार के बीच चल रहे घमासान का अंत हो गया। पंजाब सरकार की दलीलों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को 2 हफ्तों के अंदर उत्तर प्रदेश भेजने का निर्देश दे डाला। अब प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ये तय करेगा कि मुख्तार को यूपी की किस जेल में रखा जाएगा। फिलहाल माना जा रहा है कि मुख्तार को अभी यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ बांदा जेल के डॉक्टर की मुख्तार अंसारी को चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में मुख्तार अंसारी के लिए रोपड़ जेल में बांदा तक का सफ़र 890 किलोमीटर तक का सफ़र आसान करना होगा। अपराध से लेकर राजनीति के सफ़र में मुख्तार के ऊपर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्तार अंसारी को बांदा से 890 किलोमीटर दूर पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। रंगदारी मांगने के एक मामूली मामले में ट्रांजिट रिमांड पर मुख्तार को रोपड़ जेल लाया गया। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों के बीच मुख्तार के जेल ट्रांसफर को लेकर खींचतान चल रही थी। इस पर पंजाब सरकार ने मुख्तार के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी। इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के विधायक विक्रम सिंह मजीठिया ने भी पंजाब विधानसभा में सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर मुख्तार को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, तो वहीं रोपड़ से बांदा तक का 890 किलोमीटर का सफ़र मुख्तार के लिए कितना लंबा होता है ये देखने वाली बात होगी। कभी ब्रजेश सिंह के साथ दोस्ती से बदली दुश्मनी ने मुख्तार को 90 के दशक में पूर्वांचल की सत्ता पर काबिज किया था, लेकिन समय के साथ साथ मुख्तार के और भी दुश्मन खड़े होते गए। बताया जाता है कि पूर्वांचल की जेलों में अब भी कई ऐसे माफिया बंद हैं जो मुख्तार के खार खाए बैठे हैं। 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली के उसी चट्टी गाँव में हुई एक घटना ने पूर्वांचल के अपराध में बड़ा बदलाव ला दिया, जहां विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुए हमले में उनके गनर समेत एक हमलावर की मौत हुई। इस हमले के दौरान घायल हुए ब्रजेश सिंह की गोली लगने के चलते हुए टिटनेस से मौत की खबर भी इलाके में फैल गई। इसके साथ ही पूर्वांचल के एक इलाके में मुख्तार का पूरी तरह से कब्जा हुआ। हालांकि पूर्वांचल के दूसरे छोर में अभी भी माफियाओं के गुरु कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी काबिज थे, जिनके संबंध भी मुख्तार से अच्छे बताए जाते थे। इस घटना के बाद से ही यूपी बिहार के अधिकतर सरकारी ठेकों पर मुख्तार गैंग का कब्जा हो गया था। हालांकि पिछली सरकारें के ऊपर भी मुख्तार को संरक्षण देने के आरोप लगे। 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद लौटते समय हुई। इस हमले में शामिल 6 अपराधियों ने हमले के लिए एक ऐसी जगह को चुना जहां से गाड़ी लेकर भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस दौरान विधायक की बुलेट प्रूफ टाटा सफारी पर चारों तरफ से घेर कर AK-47 से 500 से अधिक राउंड फायर किए गए। हमले में BJP विधायक कृष्णानंद राव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान कृष्णानंद राय के शरीर से 21 गोलियां निकाली गई। इस जघन्य हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बचरंगी, हनुमान पांडे उर्फ राकेश, रामू मल्ला और एजाजल हक को आरोपी बनाया गया। इस सभी आरोपियों को CBI की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस हत्याकांड के समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था और इस जघन्य हत्याकांड का उद्देश्य सिर्फ कृष्णानंद राय की हत्या नहीं बल्कि पूर्वांचल में अपना वर्चस्व दिखाने का जरिया माना गया। हालांकि केस के दौरान ही इस मामले के गवाह शशिकांत राय की 2006 में मौत हो गई, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताते हुए इसकी फाइल बंद कर दी थी। तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.